तो इसमें के शुरू में आपका सबका स्वागत है। परमात्मा पिता कहते हैं कि सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी बाबा। सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे, ईगो, मैंने किया, मेरी बुद्धि, मेरे आइडियाज़, मेरे बिना नहीं हो सकता, ये हो गया अहम भाव। ऐसे बहुत सारे रूप हैं इसके, मैं ही सबसे अच्छा बोलता हूँ, मैं ही सबसे अच्छा करता हूँ, मैं करती हूँ। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा लगता। क्यों? क्योंकि और आत्माएँ आपके अहम को देख करके आपसे दूर हो जाती हैं, आपके सहयोगी नहीं बन पाती हैं, आपसे ईर्ष्या हो जाती है या आपको पसंद नहीं करती हैं, तो आप टीम वर्क नहीं कर पाते हैं, तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा लगता और स्वयं भी संतुष्ट भी नहीं होते, क्योंकि आप थक जाते हो करते करते सेवा अकेलेपन की वजह से। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सबके अंदर के गुण और सबके अंदर की क्वालिटीज़ को इस्तेमाल करके हमें आगे बढ़ना है। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का कल्याण करता है। निर्विघ्न कैसे? उमंग उत्साह रहता है उनको और को आगे बढ़ाने का, ईगो नहीं रहती, अभिमान ना होने के कारण वो और को आगे बढ़ाते हैं और इसलिए निर्विघ्न बनते हैं। लेकिन जिनके अंदर अभिमान होता है, जो अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, दूसरे को खींच के नीचे लेके आते हैं, ये ऑटोमेटिक लॉ है। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम कल्याण करें औरों का, लेकिन उसमें नम्र भाव होकर के, बिना अहंकार के। शांति।